Welcome friends, today we are going to study the chapter number 2 of social science of standard 10. इसका first part upload कर दिया, you must watch it. आज हम उसमें आगे देख रहे हैं, पहला हमारा जो topic है वो है जरी वर्क. तो let me clarify you, कि अपने जो आप जिसे normal जरी कहते हैं वो नहीं, it is something different. ancient time में इसका use होता था, इसमें golden और silver thread का use करते थे weaving में. सोने और चांदी के तार होते थे, उससे एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनाते थे कपड़े में. इट वॉज नॉन एज जरी वर्क. और ये चीज याद रखना, सूरत इज ए प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क. सूरत जो है जरी वर्क के लिए बहुत ही फेमस है. निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोसी वर्क हैव यूनिक ब्यूटी. यानी जो थ्रेड से जो वीविंग करते हैं उसको जरदोसी भी बोलते हैं. Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panetar, ghar chola, border with jari if needed. यानी जो भी ड्रेस मटेरियल होता था, साड़ी हो, पानेतर हो, उसको जरी वर्क से, उसको जरी वर्क उस पर कर देते थे. ये उसके लिए सूरत जो था बहुत ही फेमस था. नाउ मेटल वर्क. तो मेटल इज ऑल्सो ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया. मेटल एज बिगन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज. तो सबसे पहले स्टोन एज आया, मेटल एज में सबसे पहले हमने कॉपर को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था. कॉपर से हमने सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, गैजेट, वो था एक्स, कुल्हाड़ी. ओके, द आर्टिजन्स ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन्स लाइक सिकल, ड्रिल एंड नीडल. यानी जो मेटल की था उसको मेल्ट करके उसमें सिकल यानी जो हसिया होता है जिससे हम वस्तुओं को काटते हैं, वो सब काटने, फसल को काटने में इसका उपयोग होता था. विथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज. कॉपर, ये ब्रॉन्ज एक मिक्स मेटल होता है, एलॉय होता है, ये भी हमने इन्वेंट कर लिया था. मोर ओवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पोर्ट्स. ये जो मेटल होती है उससे हम बर्तन, आइडल्स और पोर्ट्स बनाते थे. आर्म्स एंड अम्यूनिशन फॉर वॉर्स वेयर मेड अप ऑफ मेटल. मेटल का यूज करते थे आर्म्स और वेपन, जैसे स्पीयर है, एरो है, ये सब बनाने में डिफरेंट मेटल्स का हम लोग यूज करते थे. नाउ वुडन आर. तो वुड जो था उसका बहुत से अलग अलग पर्पज में यूज होता था. सबसे पहले तो उसका फायरवर्क में यूज हुआ, फायर एज ए फायरवुड. फिर उसके बाद उससे बिल्डिंग बनाई गई. उसके बाद उसका डेकोरेशन में यूज हुआ. तो मैन ट्रीज एंड आर फॉरेस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर. तो जंगल जो हमारे पहले से ही मित्र रहे. इनिशियली वुड वॉज यूज एज ए फायरवुड. सबसे पहले हमने जो वुड का उपयोग किया था एज ए फायरवुड, खाना पकाने के लिए और प्राणियों से रक्षा करने के लिए. लेटर ऑन फॉर मेकिंग वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क. वेपन्स बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए वुड का उपयोग किया. ग्रेजुअली वुड वॉज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक फॉर मेकिंग आइडल्स, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, वुडन पिलर्स, विंडोज, डोर्स, स्मॉल हट्स, टॉप्स ऑफ रूफ्स, थ्रोन्स, चेयर्स, ग्रिल्स, ये सब बनाने के लिए हमने वुड का उपयोग किया. वुड के पिलर बनाए गए, पूरी बिल्डिंग जो होती थी वो वुड की होती. आप भी आज नेपाल में जाओगे तो जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, पूरा जो मंदिर है इट इज मेड ऑफ वुड. इसमें कार्विंग की जाती थी, उसको बहुत ही शानदार रूप दिया जाता था. इसमें गुजरात के दो प्लेस है, ईडर एंड संखेड़ा. दीज बोथ प्लेसेस आर फेमस फॉर वुडन फर्नीचर, स्विंग्स एंड टॉयज. ये जो बता रहा हूँ ये एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, विच प्लेसेस ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर वुडन फर्नीचर. तो दे आर ईडर एंड संखेड़ा. ओके, ये जो दोनों प्लेस है यहाँ पे बहुत शानदार फर्नीचर बनाया जाता है, इट इज वर्ल्ड फेमस. नाउ इल्ले वर्क. इल्ले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशियंट. आर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन किंग्स, एम्परर, रूलर्स एंड रॉयल्स, पीपल ऑफ दैट टाइम यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स एज नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामणी, यानी जिसको टीका बोलते हैं, मांग टीका. दीज वेयर स्टडेड बाय प्रेशियस जेम्स लाइक डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज. यानी जो जेम्स होते थे, डायमंड, पर्ल्स, रूबीज, टोपाज, इसको जो ज्वेलरी होती थी उसमें स्टड करते थे, उसमें फिट करते थे. It is known as inlay work.
और ये याद रखना, ये लास्ट टाइम पूछा गया था, बीकानेर इज फेमस फॉर इल्लेवर, ये सबसे ज्यादा फेमस है इल्लेवर के लिए। अकीक, सो व्हाट इज अकीक? तो अकीक इज ए काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन, एक कीमती पत्थर होता है, स्पेशली फाउंड इन वैली एरिया ऑफ रिवर, ये रिवर होता है उसमें पाया जाता है। इट इज चीफली कैल्सीडोनिक मिक्स विद सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन। ये कैल्सीडोनिक स्टोन होता है, सिलिका स्टोन होता है जो ब्लू और व्हाइट होता है। कार्नेलियन इज मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। कार्नेलियन भी एक टाइप का स्टोन होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज है। प्लेसेस के नाम याद रखना, राणपुर, सूरत, ये जगह पे पत्थर मिलता है, अपीक का स्टोन मिलता है। फिर उसको शेप देते, उसको मोल्ड करते, फिर वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। फिर उसका हम बीड्स, गार्लैंड, ये सब बनाने में उपयोग करते हैं। और उसको जो मोल्डिंग करते उस प्लेस का नाम है खंबात। खंबात इज फेमस फॉर अपीक वर्क, कीप इन माइंड। The question is asked many times, which place of Gujarat is famous for Akik work? It is Khambhat. Painting. Of all the arts, painting is the foremost. Painting sabse important hai. Painting is an art which can be expressed through lines and colors. Lines or colors se hum log apna emotion ko express karte, that is painting. The aim of this art is to express emotions by imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and colors. Lines or color ka use karke hum apni emotions ko express karte hain, that is fact. We have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old Harappan culture. Jo Harappan culture thi, wahan pe bhi humko evidence dekhne milte hain. Various models of paintings have been found out many times by the archaeological department during excavation work. The exhibition work was made for both of these samples. We have traces of pictures of animals and birds in the cave painting. Cave painting kya hota tha? To jo aadi manav the, wo jab unka fursat ka time hota tha, leisure time. So during that late time, leisure time, wo kya karte the? Caves ki jo diwal thi, us par painting karte. That is cave painting. And you will be surprised to know, jaise ki Ajanta Ellora ki jo caves hai, ये केव्स में जो पेंटिंग है दे आर नियर अबाउट 1000 to 800 ईयर्स ओल्ड, लेकिन इनका जो कलर है वो अभी भी फेड नहीं हुआ। दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी वो अवेलेबल है आज भी हमारे पास नहीं। आज आपको घर में पेंट कराते आपको 2-3 साल बाद कराना ही पड़ता, बट एट दैट टाइम की जो उस समय की जो पेंटिंग है आज भी उनका कलर फेड नहीं हुआ। मीन टू से वी आर प्राउड ऑफ दैट टेक्नोलॉजी विच आवर एंसेस्टर हैड। और एमपी में, मध्य प्रदेश में एक प्लेस है भीम बैठका, इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर केव पेंटिंग। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, व्हिच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर केव पेंटिंग? इट इज भीम बैठका। पीपल यूज टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिजाइंस एंड स्केचेस, एलिफेंट्स, राइनोसोर, डियर नोटेबल अमंग देम। उसमें क्या करते केव पेंटिंग में, एलिफेंट्स को ड्रॉ करते, यानी जो भी नेचुरल में सराउंडिंग्स था, राइनोसोर्स को अलग अलग शेप बनाते थे, हेक्सागोनल, डायगोनल, सब तरह की चीजों शेप्स बनाते थे। अजंता एलोरा आर इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंस ऑफ सच पेंटिंग। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो अजंता एलोरा की जो, देखो जैसे ये पद्म पाणी, ये पद्म पाणी पेंटिंग है, इट इज वेरी फेमस, ये अजंता में है, जो मतलब लगभग 1000 ईयर्स हो गए एंड स्टिल इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। उसके जो कलर अभी भी फेड नहीं हुए, और आज भी हम लोग कलर का जो पेंटिंग का हमको घर में देखने को, हमारे घरों में जो डिफरेंट ओकेशंस पे रंगोली हम लोग बनाते हैं, तो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पेंटिंग। फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। देखिए सिंगिंग में इंडिया का जो सिंगिंग है बहुत ही एडवांस है, प्ले यानी ड्रामा करना, डांस करना, ये जो इंडिया की जो फाइन आर्ट है, इंडिया इज फेमस फॉर, वर्ल्ड फेमस फॉर दिस काइंड ऑफ आर्ट। एंटरटेनमेंट विथ मोरल एजुकेशन हैज बीन इम्पार्टेड सिंस एंशियंट टाइम्स थ्रू ड्रामास बेस्ड ऑन द ग्रेट स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत।
हमारा जो भी अपने जो आर्ट है फाइन आर्ट, उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोरल प्रीचिंग भी होता है. मीन टू से नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट यू हैव टू लर्न समथिंग विच इज वेरी प्रेशियस फॉर योर लाइफ. सो जो इसीलिए हमारे जो ज्यादातर जो आप देखोगे ड्रामास है और जो डांस है दे आर बेस्ड ऑन बोथ दीज ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया रामायण एंड महाभारत. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट म्यूजिक. तो इंडियन म्यूजिक इज यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून रिदम एंड हारमोनी. ट्यून रिदम और हारमोनी की बात करें तो ऐसा यूनिक म्यूजिक आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा. एंड सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यानी इस तरह का म्यूजिक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. साम वेद इसको कहते हैं संगीत की गंगोत्री. ये मोस्ट ऑथेंटिक वेदा है जो इट वॉज डिवोटेड टू म्यूजिक. इसमें म्यूजिक के बारे में मेंशन किया गया. रिचास ऑफ सामवेद आर संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक. इसकी जो रिचाएं होती है जिसे श्लोक भी आप कह सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, उनको ट्यून और म्यूजिक के साथ गाया जाता था. म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. म्यूजिक में क्या आता है सिंगिंग और प्लेइंग. सा रे गा मा पा धा नी ये सात वोवेल्स है, स्वर है, सुर बोल सकते हैं. सात स्वर है संगीत के, ये याद रखिएगा. इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली टू पार्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक क्या है जो आप साउथ में आपको विशेष देखने को मिलता है, और फोक म्यूजिक क्या है जो लोक संगीत है. ये अकॉर्डिंग टू एरिया ये चेंज होता रहता है. वी हैव फाइन मेन रागास, पांच राग है, श्री दीपक इंडोल मेघ भैरवी. ये पांच राग याद रखना, ये जो भी चीजें दे आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, तो ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर के मुख से ये पांच रागों की उत्पत्ति हुई थी, और एक छठा राग भी उत्पत्ति हुई थी वो पार्वती माता के मुख से उसकी उत्पत्ति. इट इज सेड सो इन एंशियंट इंडियन मेनी टेक्स आर वेयर रिटन ऑन म्यूजिक, बट संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात, ये जो तीन बुक्स है दे आर वर्ल्ड फेमस. म्यूजिक को बहुत सारी बुक्स लिखी गई, लेकिन ये जो थी ये जो तीन बुक्स है ये बहुत ही फेमस है. इसके बारे में हम लोग देखेंगे. यहाँ पे देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का पिक्चर दिया आपको. ये सितार है, ये तानपुरा है, ये सारंगी है. नाउ संगीत मकरंद. अ म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैड रिटन संगीत मकरंद इन द अबाउट 900 BC में लिखा गया था. इसमें 19 टाइप्स ऑफ वीणास एंड 101 टाइप्स ऑफ रिदम को मेंशन किया गया. ओके, क्वेश्चन इज आस्क्ड हु रॉट संगीत मकरंद. तो पंडित नारद रॉट संगीत मकरंद व्हेन इन 900 BC एंड ही हैज मेंशन 19 टाइप्स ऑफ वीणास एंड 101 टाइप ऑफ रिदम्स इन हिज बुक. संगीत रत्नाकर द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंग देव. पंडित सारंग देव इसके राइटर थे. He lived in Daultabad. So he was familiar with South and North music. Pandit Vishwanath Bhatkhande considers Sangeet Ratnakar as the most authentic book on music. So इसमें ये पूछ सकते हैं कि who wrote Sangeet Ratnakar? So Pandit Sarangdev in wrote the Sangeet Ratnakar. Sangeet Parijat. Sangeet Parijat is a very important book of music. पंडित अहोबल हैड रिटन इट दिस टेक्स्ट इन 1665. पंडित अहोबल ये नाम याद रखिएगा. इसमें 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स का वर्णन किया गया. अब देखो दोस्तों इसमें आ रहा है भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं हम लोग. इसमें सबसे पहला नाम आता है अमीर खुसरो. तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये कवि थे. ही वॉज अ पोएट एंड ए म्यूजिशियन. उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, आशिका, नूर, सितिहर, किरातुल सदायन, ये बुक्स इन्होंने लिखी. जो हम गजल सुनते हैं, गजल को इंडिया में लाने वाले थे अमीर खुसरो. बराबर, इनके गुरु का भी नाम याद रखिएगा, आगे चल के आएगा निजामुद्दीन औलिया. निजामुद्दीन औलिया वॉज द गुरु ऑफ अमीर खुसरो. ये गजल को इंडिया में लेकर के आए थे. ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री ही वाज नोन एज तूती ए हिंद. तूती ए हिंद मींस
पैरट ऑफ इंडिया, उसका जो डेडिकेशन डिवोशन था, डेडिकेशन था, इतना बड़ा रोल प्ले किया, देयरफॉर ही इज नोन एज तूतीये हिंद। फिर मीनवाइल 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जो पूरा भारत था उसकी जो गलियां थी भजन से गूंजने लगी। उस समय महान भक्त पैदा हुए थे जैसे चैतन्य महाप्रभु। आज जो आप इस्कॉन का जो मूवमेंट देख रहे हो उसकी शुरुआत करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसी मेहता, दे वेर फेमस। इन्होंने बहुत सारे भजनों की रचना की, शक्ति भक्तिमय गीत लिखे जो पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में गाए जाने लगे। द डिसाइपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा एंड तानसेन, ड्यूएट गर्ल ताना लीली आर कंसिडर एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। तानसेन और बैजू बावरा के बारे में आप सुने, ताना लीली गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात में वड़नगर, वहां पे ये दोनों सिस्टर्स रहती थी। वड़नगर फेमस है, किसके लिए फेमस है कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। और वड़नगर में एक फेस्टिवल भी होता है, ताना लीली फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल है वड़नगर में होता है। ओके, तो ये दोनों सिस्टर्स थी, इन्होंने बहुत संगीत में ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट थे। इन्होंने जो म्यूजिक था इंडिया का उसको बहुत ही आगे ये लोग लेके गए। आर्ट ऑफ डांस, तो द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। नृत्य सबसे बना है नृत्य। डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय। ताल और लय के साथ म्यूजिक को जानने की, डांस को अपने जान सकते हैं। शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, ये याद रखना, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, इट इज शिवा। इनको अपने नटराज कहते, भगवान नटराज। ये जो भगवान नटराज की जो आप देख रहे हो ये आइडोल, तो वर्ल्ड फेमस लेबोरेटरी है अमीन अमेरिका, फिजिक्स लेबोरेटरी है, उसके आगे ही लगाया गया है ये, मतलब कॉस्मोस को ये बताता है। इसको देखिए आप, ये क्या हो रहा है कि प्रलय और निर्माण एक साथ चल रहा है, इस तरह का ये है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप ऑफ आइडल्स है, किसी भी धर्म ने, कम्युनिटी ने ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर रही जो डांस करते, ये हिंदुओं ने किया। ओके, he was the first to bring down music from the heaven to the earth to teach this art of dance to people. wo heaven se dance ko prithvi par leke aaye the. india has variety of traditional classical dances like bharatnatyam, kuchipudi, kathak, kathakali, odissi and manipuri. ye classical dance hai india ke, jiske bare mein hum ek ek karke dekhenge. classical dance jo hote hain ye, isme jo amuk jo culture hota hai, अमुक कस्टम्स होती है, अमुक रिचुअल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। भरतनाट्यम, द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव टू बी तंजोर। इसकी शुरुआत कहां हुई थी, तंजोर में, इट इज इन तमिलनाडु। देर आर टू बुक्स नाट्य शास्त्र में भरत मुनि, अभिनव दर्पण बाय नंदी किशोर, ये दोनों बुक्स के नाम याद रखना। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि ने लिखा था, अभिनव दर्पण ये लिखा था नंदी किशोर। ऐसा माना जाता कि वो भरतनाट्यम इसका सोर्स ये दोनों बुक्स है, ऐसा माना जाता। ये दोनों नाम खास याद रखना, भरत मुनि थे, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, इसमें पूरे प्ले कैसे करना है आपको, स्टेज कैसा होना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने ये बुक लिखी है। अपार्ट फ्रॉम देखो, इसमें जो फेमस लिविंग लेजेंड जो है वो है गोपी कृष्ण, मृणाली साराभाई, एक्ट्रेस लाइक बिजंती माला, हेमा हेमा मालिनी, इनको तो आप खास जानते होंगे। इन्होंने आज भी ये जो हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करके रखा है। ना कुचिपुड़ी, दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी। इसमें वुमेन्स ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट पोजेस एंड जेस्टर्स परफॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वोवन इन द फाउंडेशन ऑफ डांस। ये जो देखिए, जो भी क्लासिकल डांस है ये पोस्चर पे आधारित होता है, इसमें एक पोस्चर होता है, उससे आपको गेस करना होता है कि जो डांसर है व्हाट ही वांट्स टू से। कुचिपुड़ी फेमस इन आंध्र प्रदेश, गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, सुबा नायडू आर वेल नोन डांसर्स।
who have preserved this ancient tradition. Raja Reddy, इन्होंने इस जो tradition है इसको preserve करके Kathakkali. Kathakkali, this dance style of dance is famous in Kerala. ये Kerala में famous है. The word Kathakkali has been derived from the dramas based on ancient epics, Ramayana and Mahabharata. As I told you, कि हमारे जो epics है, हमारे जो जो भी आर्ट है उसका एम क्या होता है, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट विद मोरल एजुकेशन, मोरल प्रीचिंग्स. इसलिए जो कथकली उसका जो बेस क्या होता है, रामायण एंड महाभारत. रामायण महाभारत की जो स्टोरी उसको उसमें दिखाया जाता है. द कैरेक्टर ऑफ दिस आर्ट वेयर ब्यूटिफुल प्लेटेड अटायर्स. वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर. इसमें कैरेक्टर क्या बोल रहा है उसको जानने के लिए आपको जेस्चर का आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. उसके जेस्चर से आप आइडेंटिफाई करता है वो क्या बोल रहा है. द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक. द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर डांस विद फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोजेस ऑफ हैंड्स टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ त्रिलो. अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो स्टेज होता है पूरा उसको एक अर्थन लैम्प, ओनली सिंगल लैम्प, उससे उसको लाइट करते हैं, प्रकाश करते हैं और उसमें डांस किया जाता है. ये बोर्ड में पूछा चुका है एमसीक्यू में कि किस डांस में एक सिंगल अर्थन लैंप से पूरे स्टेज को लाइट किया जाता है. सो इट इज कथकली. तो कला मंडलम इट इज इन केरला. कृष्णा प्रसाद और शिवरामन इन्होंने इस जो ये डांस इसको वर्ल्ड फेमस किया. आप केरल घूमने जाओगे तो वहां पे आपको कला मंडलम करके प्लेस है, वहां पे वो चार्ज लेते हैं आप लोगों से और आप वहां पे वो डांस देख सकते. कथक डांस, तो ये एक लाइन है, कथन करे सो कथक कहा. एक नवाब थे एक वाजिद अली, उन्होंने इसको रिनोवेट किया था. यानी ये डांस था बहुत गायब सा हो गया था एंड ही वाज अ लवर ऑफ आर्ट्स, उन्होंने इसको दोबारा जिंदा किया था ऐसा हम कह सकते. द कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण. भगवान कृष्ण के लाइफ इंसिडेंट को इसमें बताया जाता. ये पूछा जा चुका है कि कौन सा डांस जो है लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण के लाइफ इवेंट्स पे आधारित है, तो इट इज कथक डांस. इट इज ऑब्जर्व दैट इट हैज डेवलप्ड विद श्रृंगार भक्ति. वैष्णव कम्युनिटी, वैष्णव कम्युनिटी वो होती है जो भगवान विष्णु की पूजा करती है. भगवान विष्णु यानी उसमें राम आ गए, भगवान कृष्ण आ गए, भगवान विष्णु के जितने अवतार है सब उसमें आ जाते हैं. वुमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स फिल्ड फ्रॉक अटायर. This style dance has been kept alive by Pandit Sri Birju Maharaj, Sitara Devi, Kumudi. ये जो नाम है आपको याद रखने हैं कि कौन सा डांसर है, किस डांस के साथ एसोसिएटेड है. It is asked in MCQs. Manipuri dance. The people of Manipur dance on every occasion and festival. This dance style is chiefly based on Ras Lila, Bal Lila of Sri Krishna. ये भी जो है, देखिए भगवान कृष्ण जो है वो नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में काफी पॉपुलर है. एंड जैसे जैसे वक्त बीतेगा दुनिया भगवान कृष्ण को चाहने लगेगी. आप जो इस्कॉन का मूवमेंट देख रहे हो इट इज जस्ट अ बिगनिंग. तो भगवान कृष्ण के जो जीवन है उनमें हमको सारे रंग देखने को मिलते हैं. इसलिए जो आप मणिपुरी डांस देखोगे उसमें भगवान कृष्ण की लाल रास लीला, बाल लीला के जो प्रसंग है देखने को मिलते हैं. मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, लास्य एंड तांडव. ये याद रखना, मणिपुरी डांस है इसके दो टाइप्स है, लास्य और तांडव. बराबर, लास्य और तांडव मणिपुरी डांस के दो टाइप है. इसमें जो डांसर पेटीकोट पहनता है ग्रीन कलर का, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कुमीन. ओके, याद रखना इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन एमसीक्यू. गुरु अमोबी सिंह, अतोम्बी सिंह, गुरु विपिन सिन्हा, नैना जवरी, निर्मल मेहता, ये इससे जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं. दे आर फेमस फॉर मणिपुरी डांस और इन्होंने इस डांस को वर्ल्ड फेमस बना. नाउ ड्रामेटिक आर्ट. ड्रामेटिक आर्ट प्रेजेंटिंग संस्कार विथ एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट. तो जो ड्रामा में जो होता है हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, मोरल लेसन्स भी देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स एंटरटेन ऑडियंस. इसमें क्या होता है, एंकर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्लाउन्स यानी जिसे आप जोकर कहते हैं अपने हिंदी भाषा में,
जो जोकर होते हैं वो भी लोगों को एंटरटेन करते हैं। अब एज आई हैव टोल्ड यू कि नाट्य शास्त्र ये मैन बुक है विच वॉज रिटन बाय भरत मुनि। भरत मुनि ने देवताओं को और दानवों को एंटरटेन करने के लिए नाट्य शास्त्र की रचना की। उन्होंने जो पहला ड्रामा लिखा था, नाटक लिखा था, उसका नाम था देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम, इसमें देव और दानवों की जो लड़ाई थी वो बताई गई थी। और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरह से यानी ड्रामा होना चाहिए, स्टेज कैसा होना चाहिए, लाइट कैसा होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स ही हैव मेंशन इन दिस बुक नाट्य शास्त्र। याद रखना किसने कौन सी बुक लिखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये इसको एक्सप्लेन करते हुए भरत मुनि कहते हैं, देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्क्रिप्चर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज मेकिंग ड्रामा आर्ट। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें ड्रामा ना हो। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम इन संस्कृत। वी हैव वेरियस वेल रिनाउंड ड्रामेटिस्ट। भास इज द पोएट ऑफ पोएट, भास को कवियों का कवि कहते हैं। उन्होंने ड्रामा लिखे थे कौन कौन से, कर्ण भार, उरुभंग, दूत वाक्य, ये याद रखना भास के नाटक। ये तीनों जो ड्रामा से दे आर बेस्ड ऑन महाभारत। कालिदास ये दुनिया के सबसे महान ड्रामेटिस्ट है। मेनी पीपल से शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट आई डोंट एग्री विथ इट बिकॉज आई हैव रीड ऑल द बुक्स ऑफ शेक्सपियर एंड कालिदास, बट कालिदास इज यूनिक, इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड। उनके जो ड्रामास थे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षियम एंड मालविका अग्निमित, रघुवंशम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये भी इनकी बुक से ये आगे आपको देखने को मिलेगी। और गुजरात में जो ड्रामा को पॉपुलर किया था जयशंकर सुंदरी ने, ये इनका फोटो है, ये फीमेल रोल प्ले करते थे और बहुत ही खूबसूरत। एक अहमदाबाद में एक जगह है लाल दरवाजे, वहां पे इनके नाम पे एक हॉल भी बनाया गया जयशंकर सुंदरी ने। उन्होंने बहुत ही पॉपुलर बनाया ड्रामा को। इसके अलावा बहुत से आर्टिस्ट जैसे अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, इन्होंने तो फिल्मों में भी काम किया है, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक कीवाला, जैसे उपेंद्र त्रिवेदी है, इन्होंने हिंदी ड्रामास में, हिंदी फिल्मों में भी काम किया। नाउ भवई, स्क्रिप्ट राइटर से शेर भवई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। भवई ऐसा ड्रामा होता है जिसमें इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 इयर्स बाय असाइट ठाकर। ये याद रखना, ये असाइट ठाकर ने इसकी स्टार्ट किया था भवई की। दिस आर्ट विच हैज बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अलोंग विथ एंटरटेनमेंट एट द इकोनॉमिकल रेट प्रमोटेड ड्यूरिंग सोलंकी ईरा। इसमें क्या होता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोरल टीचिंग्स दी जाती। इट वॉज चीपली परफॉर्म विदाउट कटेज। ये देखिए इसमें बहुत ही चीप होता है, इसमें आपको कोई स्टेज नहीं लगाना पड़ता है, कोई पर्दे नहीं लगाने पड़ते हैं, सिंपल स्ट्रीट, इट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रीट ड्रामा। ओके, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है इट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लोगों की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं और सोशल मैसेज फैलाने में, सोशल अवेयरनेस लाने में भवई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैरेक्टर डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंडा जूनन, कजोड़ा, ये कैरेक्टर्स के नाम होते हैं। रंगला रंगली होता है इसमें कैरेक्टर्स होते हैं और वो मैसेज देते लोगों को। थीम्स ऑफ भवई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइस, यानी जो सामाजिक बुराइयां होती है उसके खिलाफ लोगों को अवेयर करना, लोगों में जागृति लाना, ये इसका मेन रोल है। द कैरेक्टर्स लाइक रंगलो रंगली आर यूज्ड टू प्रमोट प्रोग्राम्स लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड, ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल होते हैं। भवई अब देखे ये जो इसकी शुरुआत होती है ये देवी की स्तुति के साथ की जाती है, प्रार्थना गाते हैं, उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। सो इट इज वेरी फेमस। अब तो ये लगभग देखने को नहीं मिलता है बिकॉज नाउ वी आर डिवोटेड टू ऑल द अदर थिंग्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वी आर डेडिकेटेड, वी आर डिवोटेड टू मोबाइल एंड फिल्म्स, ऑल दीज थिंग्स।
Now, folk dances of Gujarat. There are a varied dance from belongings to different communities of Gujarat. The dances form are according to the tradition and customs. Among them are tribal and folk dances. Tribal dance भी आते हैं, folk dances, गरबा, रास, ये सब यहाँ के गुजरात के बहुत ही फेमस है. हम एक ही करके देख रहे हैं. पहले हम देख रहे हैं ट्राइबल डांस. ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल मैरिज फेयर टू प्लीज द गॉड गॉडेस. देवताओं को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए डांस किया जाता था. टू एक्सप्रेस द जॉय. मैरिज हो, फेस्टिवल हो, फेयर जो मेले लगते हैं उसमें डांस दिखाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ डांसेस आर परफॉर्म बाय फॉर्मिंग ए सर्कल. ज्यादातर डांस एक सर्कल में प्ले किए जाते हैं with various traditional music instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak, ye sab ka use karte hain. In the dance form known as chado, chado ka matlab hota hai to imitate, kisi ki nakal karna. Characters imitate different birds, creatures like peacock, squirrel and sparrow. Inki awaaz nikalte hain, unke jaisa gesture batate hain, that is chado. Chado, as I have told you, chado, chado yani किसी की नकल करना. डांस लाइक मालिनो चाड़ो एंड ठाकरे चाड़ो आर सीन इन द डांग. डांग जिला है, ये ट्राइबल एरिया है ऑफ गुजरात. यहाँ पे ये दो डांस बहुत देखने को मिलते हैं, मालिनो चाड़ो एंड ठाकरे चाड़ो. ये सब पूछा आता है. यू हैव टू कीप ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड. ओके, नाउ गरबा. तो गरबा शब्द एक गर्भदीप शब्द से बिना है. इसमें क्या होता है, अर्थन पोर्ट होता है, मिट्टी का पोर्ट. उसमें हॉल्स होते हैं, उसमें अर्थन लैंप को रखते हैं लाइट करके, जला करके उसको सर पे रखकर सर्कल में डांस करते हैं. इट इज नोन एज गरबा. नाउ गरबा हैज बिकम वर्ल्ड फेमस. वर्ल्ड फेमस हो गया है. अब ये एक जो दुर्गा देवी होती है, उमिया माता बोलते हैं, दुर्गा माता बोलो, कालिका माता बोलो, उनकी स्तुति की जाती है, उनकी पूजा की जाती है. इन हिंदू मंथ आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी और समवेयर अप टू दशम और शरद पूनम ये गरबा लोग करते हैं. मदर जगदम्बा, जनरली इट इज ये मदर जगदम्बा होती जिन्हें आदि शक्ति कहते हैं, उनकी उनको पूजा करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए इसको कहते हैं. और जो मैंने आपको बताया अर्थन लैम्प, उसको बोलते हैं मांडवी, उसको सर पे लेके डांस करते हैं. गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति. तो भगवान कृष्ण की बहुत सारे गरबा देखने को मिलेंगे, माता जगदम्बा के गरबा देखने को मिलेंगे. अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज सोचने को मिलेगी कि जो गरबा है वो माता की स्तुति के लिए गाया जाता है, उसमें भगवान कृष्ण कहाँ से, ये आपको सोचने को मिलेगा. उसका उत्तर आप लोग पूछिएगा, और अगर आपको नहीं मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. सो फ्रेंड्स, यहाँ हम अपने लेक्चर को पूरा कर रहे हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस वेरी मच. फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम इफ यू लाइक्ड इट. थैंक यू वेरी मच.